welcome back to my channel Blushing Beauty. How are you doing today? Guys, I hope you all are fine and safe with your family members. So, आज का ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही ज़्यादा स्पेशल. टाइटल से आप देख ही पा रहे होंगे, आज मैं आपको बताने वाली हूँ प्री ब्राइडल स्किन केयर रूटीन. जी हाँ, प्री ब्राइडल स्किन केयर रूटीन. शादी से पहले जो भी ब्राइड्स होती हैं उनको अपनी क्या स्किन केयर रूटीन करनी चाहिए वो मैं बताने वाली हूँ. यानी कि स्किन केयर रूटीन फॉर ब्राइड्स टू बी या स्किन केयर रूटीन फॉर न्यूली ब्राइड्स. सो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं. अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा एंड प्लीज़ छोटे छोटे कमेंट कर दीजिएगा ताकि हमें पता चल सके कि हमारी बात आप तक सही तरह से पहुँच रही है या नहीं. गाइस, प्री ब्राइडल स्किन केयर रूटीन गर्ल्स की लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि शादी एक ऐसा टाइम होता है, ऐसा डे होता है जब हर लड़की एक स्पेशल दिखना चाहती है. मतलब जितना खूबसूरत वो नॉर्मल दिनों में दिखती है उससे लाख गुना ज़्यादा, मतलब लाख हज़ार करोड़ गुना ज़्यादा खूबसूरत दिखना चाहती है. जी हाँ, आखिर वो स्पेशल दिन होता है तो स्पेशल दिन पर ज़्यादा खूबसूरत दिखने के लिए आपको करना होगा एक छोटा सा प्री ब्राइडल स्किन केयर रूटीन. स्किन केयर रूटीन से आपकी स्किन हो जाएगी हेल्दी, ग्लोई, शाइनी, ब्यूटीफुल और बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी. तो आइए शुरू करते हैं. तो गाइज, स्किन केयर रूटीन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारा स्किन केयर रूटीन. जी हाँ, हमारा जो प्री ब्राइडल स्किन केयर होता है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारा स्किन केयर रूटीन. जी हाँ, मैंने कहा स्किन केयर रूटीन जो कि आप मॉर्निंग में और नाइट में फॉलो करते हैं, जैसे कि CTM. CTM क्या होता है सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ. CTM होता है क्लींजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग. जी हाँ, अगर आपको अच्छी स्किन पानी है तो उसका सिर्फ एक ही राज है, CTM. CTM में आपको एक अच्छा क्लींजर यूज़ करना है अपने फेस वॉश के लिए, मतलब अपने फेस को क्लीन करने के लिए आपको एक अच्छा क्लींजर लेना है. टी से टोनिंग, यानी आपको एक अच्छा टोनर यूज़ करना है ताकि अगर आपके ओपन पोर्स हैं तो वो जल्दी से जल्दी क्लोज हो जाएं, और टोनिंग करने से बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं. एम फॉर मॉइस्चराइजिंग. मॉइस्चराइजिंग आपके लिए इसलिए अच्छी होती है कि अगर आप अच्छा मॉइस्चराइजर लगाएंगे तो आपकी स्किन रहेगी फ्रेश एंड हेल्दी. तो CTM आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉलो करने के लिए. गर्ल्स, CTM जो होता है यानी स्किन केयर रूटीन आपको डेली फॉलो करना है, दिन में रोज करना है और सुबह भी करना है और रात को सोते समय भी करना है. मतलब मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन और नाइट स्किन केयर रूटीन दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप दोनों ही फॉलो कीजिएगा. मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपकी शादी होने वाली है और अगर आप सोच रहे हैं कि आपने किसी यूट्यूबर की वीडियो देख ली और आप सोच रहे हैं कि अब हम नए प्रोडक्ट्स ट्राई करके देखें अपने फेस पे, कि नया फेस वॉश यूज़ करके देखें, नया टोनर यूज़ करके देखें या नया मॉइस्चराइज़र, तो आई रिक्वेस्ट यू ब्राइड्स, अगर आपकी शादी होने वाली है तो आप कोई भी नया प्रोडक्ट ट्राई मत कीजिए. क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो हमारी स्किन को सूट नहीं करते हैं और बहुत सारे होते हैं जो हमारी स्किन को सूट करते हैं. तो अगर वो आपको सूट नहीं करे तो उससे हो सकता है आपको ब्रेकआउट्स हो जाए, पिंपल्स हो जाए. तो मैं नहीं चाहूँगी कि आपकी ब्यूटीफुल सी स्किन ज़रा भी ख़राब हो. तो आपके जो अभी तक आपने इतने टाइम से यूज़ किए हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स, उन्हीं में से वही फेस वॉश यूज़ कीजिए, वही टोनर यूज़ कीजिए और वही मॉइस्चराइज़र यूज़ कीजिए. यानी कि आपको अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग अपना फेस वॉश और टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग का प्रोसेस करना है. अगर आपकी ड्राई स्किन है तो उसके लिए अलग प्रोडक्ट्स आते हैं, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो अलग प्रोडक्ट्स आते हैं. तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है. आइए आगे बढ़ते हैं. पॉइंट नंबर 2 जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ब्राइड्स, हम रेगुलर टाइम में हम ऑफिस जाते हैं, कॉलेज जाते हैं या घर पे भी रहते हैं या फिर हम कहीं भी जाते हैं गर्ल्स, तो क्या होता है हम इतना ज़्यादा स्क्रबिंग पे ध्यान नहीं देते हैं. कहने को हमें 7 दिनों में एक बार स्क्रबिंग करनी चाहिए. बाहर से आने के बाद जैसे हम डर्ट वाले एरिया से आए हैं तो हमें स्क्रबिंग ज़रूर करनी चाहिए और हम नहीं करते हैं. यही हमारी सबसे बड़ी गलती है, हमें स्क्रबिंग रेगुलर करनी चाहिए. बट अगर आपकी शादी होने वाली है, आप ब्राइड टू बी हैं, तो आपके स्किन केयर में आपको इन्वॉल्व करना होगा स्क्रबिंग. फेस स्क्रबिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. फेस के साथ साथ आपको बॉडी स्क्रबिंग भी करनी है. यानी कि आप अपना फेस तो अच्छा दिखा देंगे,
सिर्फ फेस अच्छा दिखाने से नहीं होगा ना, आपके नेक, आपकी पूरी बॉडी, मतलब आपके हैंड्स से लेके फेस, हैंड्स, नेक, बैक, सब कुछ ब्यूटीफुल होना चाहिए। तो आप ज़्यादातर क्या करते हैं, अपने फेस पे ही स्क्रब करते हैं या ना भी करते हैं, तो आपको क्या करना है, बॉडी स्क्रबिंग करनी है। बॉडी स्क्रबिंग से फ़ायदा ये होते हैं, कहीं भी आपकी ब्लैक टाइप का हो गया, जैसे ये देख रहे हैं आप, इतना एरिया मेरा थोड़ा ब्लैक सा हो गया है क्योंकि अभी मैंने यहाँ की केयर नहीं करी है। तो इससे क्या होता है, जब आपके इस तरह की ब्लैक हेड टाइप का हो जाता है कहीं, जैसे आपके घुटनों में हो जाता है, कोहनी में हो जाता है, या फिर क्या होता है, अंडर आर्म्स में हो जाता है, अगर आपके कहीं किसी भी एरिया में ब्लैक टाइप का हो गया है, तो आपको अभी मतलब शादी के एक महीने पहले से ही उसको रिमूव करना होगा। उसके लिए आप यूज़ कीजिए स्क्रबिंग। जी हाँ, स्क्रबिंग, स्क्रबिंग में आपको नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने हैं। अगर आपको कॉफ़ी सूट करती है तो आपको लेना है एक छोटा सा बाउल, बाउल में डाल दीजिएगा कॉफ़ी, कॉफ़ी में आप ऐड कर लीजिए हनी और उसको लगाइए, कॉफ़ी में हनी ऐड कर लीजिए और एक चम्मच रोज़ वाटर लगा लीजिए, डाल दीजिए कॉफ़ी में, आपको यूज़ करना है रोज़ वाटर एंड हनी। मिक्स करने के बाद आपको इसका स्क्रबिंग करनी है। आपको अपने फेस पे ही नहीं, नेक पे, हैंड्स पे, लेग्स पे, बैक पे, चेस्ट पे, सब जगह आपको करनी है। आपको ओवरऑल ऑल बॉडी में आपको स्क्रबिंग करनी है, और ये स्क्रबिंग आपको वीक में 3 बार करनी है। जी हाँ, ये स्क्रबिंग आपको वीक में 3 बार करनी है। इसके फ़ायदे आपको खुद पे खुद मिल जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है इसका रिज़ल्ट, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा गर्ल्स। आइए हम आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3। अब आपने स्क्रबिंग कर ली, आपने अपनी जो भी डर्ट थी आपकी बॉडी में सब रिमूव कर दी है, तो अब आपको चाहिए एक अच्छा सा फेस पैक। फेस पैक आपके चेहरे को निखारेगा, और चेहरे को ही नहीं आपकी बॉडी को निखारेगा। तो मैं अभी आपको फेस पैक बता देती हूँ, 2 फेस पैक बताने वाली हूँ जो कि आप नेचुरल इन्ग्रीडियंट्स के साथ यूज़ कर सकती हैं। एक है बेसन फेस पैक। बेसन तो आप सभी ने सुना होगा, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, ब्यूटीफुल करता है हमारी स्किन। तो बेसन अगर आप यूज़ कर दें तो बेसन आप बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब आप ज़रूर यूज़ कीजिए। आपको बेसन में यूज़ करना है हनी, हनी के साथ आप रोज़ वाटर डाल दीजिए। मतलब आप बेसन ले लीजिए, आप 2 चम्मच 4 चम्मच जिस हिसाब से आप क्वांटिटी लेना चाहते हैं। अगर आपने 4 स्पून लिया है बेसन, तो आप 1 चम्मच हनी डाल दीजिए और उसमें 2 चम्मच रोज़ वाटर डाल दीजिए। और अगर आपने 2 स्पून बेसन लिया है, तो आप 1/2 स्पून हनी और 1 स्पून रोज़ वाटर डाल दीजिए। मैं इन सब की डिटेल्स को आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं क्वांटिटी। यह आपको मिक्स करके पूरी बॉडी पे लगाना है। आपको मैं बता देती हूँ, अगर आप फेस बेसन लगा रहे हैं, बेसन का फेस पैक, तो लगा के उसे ऐसे ही छोड़ भी सकते हैं, या फिर आप बेसन से स्क्रबिंग भी कर सकते हैं। मतलब अगर आपने अपने हाथ पे बेसन लगाया हुआ है, तो उससे इस तरह आप स्क्रबिंग कर सकते हैं। बहुत ही जेंटली करनी है, और इसका रिजल्ट आपको 7 दिनों में दिखेगा। मतलब 7 दिनों में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाती है स्किन, बहुत ही ज़्यादा ग्लोई हो जाती है। तो बेसन तो बहुत ही चमत्कारिक वर्क करता है ब्राइड्स, तो जो भी प्री ब्राइडल रूटीन फॉलो कर रही हैं, बेसन को ज़रूर इन्वॉल्व कीजिएगा। आगे जो दूसरा मैं बता रही थी फेस पैक, वो है हमारा उपटन। उपटन के बारे में आप सभी ने बचपन से ही सुना होगा, उपटन आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमारी बॉडी के अंदर जो भी डर्ट होती है उसको रिमूव करता है। डर्ट रिमूव करने के साथ साथ आपकी बॉडी में नेचुरल ग्लो लाता है, मॉइस्चराइज भी करता है, हेल्दी बनाता है आपकी स्किन। तो उपटन कैसे बनाते हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, लेकिन आपको लेना है आटा। जी हाँ, आपको थोड़ा सा आटा लेना है। आटे में आपको थोड़ी 1/2 स्पून हल्दी डालनी है। हल्दी आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं डालनी है, थोड़ी कम ही हल्दी डालिएगा। हल्दी डाल दीजिए, उसमें कोकोनट ऑयल डालिए। देखिए, बहुत सारे लोग कड़वा ऑयल जो आता है ना, वो डाल देते हैं, मतलब कच्ची घानी ऑयल आता है वो डालते हैं। लेकिन अगर आप ब्राइड हैं, तो ब्राइड्स को मैं सजेस्ट करूँगी कि वो कोकोनट ऑयल डालें। कोकोनट ऑयल स्किन में फ्लॉलेस लुक लाता है, और उससे आपकी स्किन शाइनी बनती है। जी हाँ, अगर आपकी स्किन में ब्रेकआउट्स हैं, अनइवन हो गई है, तो कोकोनट ऑयल से आपके ब्रेकआउट्स भी दूर हो जाते हैं, और अनइवन स्किन टोन भी अच्छी हो जाती है, मतलब इवन हो जाती है एकदम। तो आप कोकोनट ऑयल यूज़ कीजिए, और उसी उपटन में आप लगा दीजिए थोड़ा सा चंदन का पाउडर। जी हाँ, तो इस तरह से आप उपटन तैयार कीजिए, और उससे पूरी बॉडी में उपटन लगाइए, हैंड्स, नेक, जहाँ भी आप चाहें, ओवरऑल फुल बॉडी में आप उपटन लगाइए। और उपटन लगाने के बाद अप्रॉक्स 1/2 घंटे तक आप उसे छोड़ दीजिए। उपटन लगाने के बाद आपको 1/2 घंटे तक छोड़ देना है, उसके बाद आपको नहा लेना है। जी हाँ, आपको नहा लेना है, कुछ भी नहीं करना, आपको नहा लेना है। तो ये होता है बहुत ही ज़्यादा अच्छा
रेमेडी जो कि आप कर सकते हैं ब्राइड्स। तो दोनों ही फेस पैक बहुत अच्छे हैं, बेसन फेस पैक और उपटन, दोनों ही ट्राई कीजिएगा। और ये जो आपको लगाना है वीक में तीन बार लगाना है, जी हाँ वीक में तीन बार लगाना है। तो आप ऐसे कर सकते हैं, वीक में एक बार उपटन लगा लीजिए और दो बार बेसन फेस पैक लगा लीजिए। वैसे आप ये भी कर सकते हैं, जब भी आप नहाने जाते हैं तो बेसन ले, फेस वॉश की जगह आप बेसन लगाइए चेहरे पे, तो बेसन लगाइए जब भी आप फेस वॉश करते हैं, तो उस टाइम बेसन से फेस वॉश कीजिए। अप्रॉक्स 30 दिनों तक ऐसा कीजिए, क्योंकि आप अगर ऐसा करेंगे तो आपके चेहरे पे बहुत अच्छा निखार आएगा। आपको ये बात याद रखनी है, जब भी आप फेस वॉश कर लें या बॉडी वॉश कर लें, कोई भी फेस पैक या बॉडी पैक लगा रहे हैं, तो बॉडी वॉश और फेस वॉश करने के बाद आपको लगाना है एक मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर लगाना ना भूलें, क्योंकि आप जब भी इस तरह के प्रोडक्ट्स लगाते हैं उपटन वगैरह, तो आपकी स्किन में थोड़ा सा ड्राइनेस आ जाती है, तो उस ड्राइनेस को ना आने दीजिएगा, आपको लगाना है एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर। आगे बढ़ते हैं गाइस, नंबर 4 थिंग जो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, ये तो रही हमारी अप्लाई करने की चीज़ें, मतलब पुट ऑन। मैं आपको थोड़े सारे इंस्ट्रक्शन भी देने वाली हूँ, उन इंस्ट्रक्शन में बताने वाली हूँ क्या आपको नहीं करना है और क्या करना है। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा और आप कमेंट्स करते रहिएगा। आइए बताते हैं गाइस, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आप सिर्फ ऊपर से अगर अपने चेहरे की देखभाल कर लेंगे तो उससे होगा असर, लेकिन कम होगा। आपको एक अच्छी हेल्दी डाइट लेनी है। लेकिन गर्ल्स, मैं जानती हूँ, मैं भी खुद एक लड़की हूँ, टेस्टी फूड दिखता है ना तो कंट्रोल नहीं हो पाता है, गोलगप्पे मोमो सबको पसंद होते हैं, लेकिन जब भी आपकी शादी होने वाली है तो आपको क्या करना है, आपको बनाना है एक जूस। जी हाँ, सिर्फ कुछ भी नहीं करना, एक जूस बता रही हूँ, वो आपको रोज़ पीना है। बीट रूट के बारे में तो आपने सुना ही होगा, बीट रूट ले आइए आप, बीट रूट के साथ कैरेट्स ले आइए और कैरेट्स के साथ टमाटोज। जी हाँ, आपको बीट रूट के साथ टमाटो और बीट रूट, कैरेट्स और टमाटो, मतलब कि चुकंदर, गाजर और टमाटर, तीनों को मिक्स करके पीस लेना है। जी हाँ, इन सबको पीस लीजिए, उसके बाद छान लीजिए और इस जूस को आप काला नमक डाल के, नींबू डाल के थोड़ा सा रोज़ पीना है आपको ये लगातार, अप्रॉक्स 30 दिन आपको लगातार पीना है। बीट रूट और टमाटो, कैरेट, तीनों ही इतना ज़्यादा अच्छे होते हैं आपकी स्किन के लिए, आपकी स्किन को डिटॉक्स तो करेंगे ही करेंगे, अंदर से लुक आएगा। मतलब ऊपर से तो हम कर ही रहे हैं, अंदर से भी लुक आएगा। तो आप इस जूस को लगातार पीजिएगा 30 दिन तक। तो बीटरूट ले लीजिए, कैरेट्स ले लीजिए और टमाटो ले लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूंगी किस क्वांटिटी में लेना है आपको, तो आप ज़रूर पीजिएगा। आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी गाइज, नंबर 5 थिंग जो कि इंस्ट्रक्शन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। गर्ल्स, शॉपिंग तो सभी को पसंद होती है, मुझे भी बहुत है, लेकिन जब आपकी शादी होने वाली होती है तो शॉपिंग की बात ही कुछ अलग होती है, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा शॉपिंग करते हैं वो अपनी शादी में ही करते हैं। शॉपिंग के लिए मतलब ऐसा कोई दिन नहीं होता कि हमें घर के बाहर ना जाना पड़े। तो हम भी जानते हैं कि अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, घर के बाहर जाना है सेफ है नहीं है, बट स्टिल हमें जाना पड़ता है। तो आप मास्क तो लगाते ही हैं, लेकिन मास्क के साथ साथ आप सनस्क्रीन लगाइए। सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको डायरेक्ट सन में नहीं जाना है। अगर आपकी शादी होने वाली है या शादी नहीं भी होने वाली है, तो अगर आप सूरज की किरणों में जाएंगे तो अल्ट्रावायलेट रेज जो होंगी वो आपकी स्किन को डैमेज कर सकती हैं, तो कर सकती नहीं है, करती ही हैं। तो आपको सनस्क्रीन यूज़ करना है। सनस्क्रीन के बाद गर्ल्स, अगर आपकी शादी हो रही है तो प्लीज़ थोड़ा ज़्यादा प्रिकॉशन लीजिए। मास्क पहनने के बाद भी आप थोड़ा फेस कवर कर लीजिए, हेयर कवर भी कर लीजिए, मतलब दुपट्टा बांध लीजिए अपनी, मतलब डबल थोड़ा मेहनत कर लीजिए ताकि आपकी स्किन बिल्कुल प्रोटेक्टिव रहे। क्योंकि आप इतने सारे प्रोडक्ट्स अपने फेस पे अप्लाई करते हैं तो टैनिंग नहीं होनी चाहिए, कहने का मतलब टैनिंग नहीं होनी चाहिए, तो ऐसा कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको फॉलो करनी है वो है गर्ल्स, अगर आपकी शादी होने वाली है जल्दी, तो आप एक आध महीने पहले से ज़्यादा मेकअप मत लगाइए। जी हाँ, ज़्यादा मेकअप मत लगाइए, क्योंकि क्या होता है, मेकअप मतलब कॉस्मेटिक। आप कितना भी नेचुरल मेकअप ले लीजिए, लेकिन कॉस्मेटिक होगा ही होगा। तो आपको अवॉइड करना है मेकअप ऐसा जिसमें कॉस्मेटिक प्रोडक्ट ज़्यादा हैं। मतलब आपकी शादी के टाइम पे, मतलब सोचिए शादी से पहले प्री ब्राइडल फोटोशूट होगा, शादी होगी, शादी के बाद रिसेप्शन, डिनर्स और जाने क्या क्या, कितने सारे आपके गेट टुगेदर्स होने वाले हैं, तो तब आपको बहुत सारा मेकअप लगाना होगा। जी हाँ, बहुत सारा, मतलब आप रोज़ ही रेडी होंगे, हैवी मेकअप करेंगे अच्छा लगे, और ब्राइड का तो वैसे भी बहुत अच्छा और वह हैवी मेकअप होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप
कम लगाइए, मतलब मेकअप लगा सकते हैं लेकिन अवॉइड कीजिए ऐसी चीज़ें जो कि आपकी स्किन को ख़राब करें, क्योंकि आप ज़्यादातर नेचुरल डीआईवाई कर रहे हैं तो आप मेकअप को अवॉइड कीजिए या कम कीजिए, तो ऐसा कर सकते हैं। आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ, अगर आपके हो गए हैं डार्क सर्कल, जी हाँ, क्योंकि अगर एक किसी ब्राइट के डार्क सर्कल हैं आँखों के नीचे तो मेकअप कितना भी कर ले हम वो डार्क सर्कल्स को कवर नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप ब्राइट टू बी हैं, आपकी प्री ब्राइडल स्किन केयर रूटीन चल रही है, तो आपको करना ये है कि आप ले लीजिए पोटैटो, जी हाँ आलू, आलू को घिस लीजिए। आलू को घिसने के बाद जो रस आता है ना, उसको आप इस तरह से लगाइए, जी हाँ, आंखों के नीचे लगाना है, कुछ भी नहीं करना है। आलू के रस को ले लीजिए और इस तरह से आंखों के नीचे लगा दीजिए, बस इतना ही करना है आपको, और ऐसे ही छोड़ दीजिए। और अगर आंखों के ऊपर यहाँ पे आपके डार्कनेस हो गई है ना, तो आप खीरा रख लीजिए, खीरा रख के सो जाइए, आलू रख के सो जाइए, मतलब खीरे की स्लाइस, आलू की स्लाइस। देखिए मार्केट में बहुत सारी क्रीम आती है, आई क्रीम, जो दावा करती हैं कि आपकी आंखों के नीचे के काले घेरे, आंखों के ऊपर के काले घेरे सब रिमूव कर देगा, लेकिन आपको क्या सच में ऐसा लगता है कि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से ज़्यादा जल्दी वो क्रीम्स वर्क करेंगी? क्या वो क्रीम्स केमिकल्स कॉन्टेन नहीं करती होंगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी अगर आप क्रीम लगा रहे हैं बाहर से ख़रीद के, तो मतलब ये है कि उसमें कुछ क्वान्टिटी में केमिकल्स हैं। तो मैं चाहती हूँ कि अगर आप ब्राइट टू बी हैं, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज़ कीजिए, बिल्कुल प्योर ताज़े। तो आप रोज़ आलू घिस के लगा सकते हैं, रोज़ खीरा खा सकते हैं, खीरा लगा सकते हैं, ये होता है बिल्कुल नेचुरल, जो कि बिल्कुल नेचुरल, तो आप ये कर सकते हैं। एक और बात, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमें टैनिंग हो गई है, हमारा फेस तो गोरा है लेकिन हमारे हाथ पाँव में टैनिंग हो गई है, हम क्या करें क्या करें? अगर आपकी टैनिंग हाथ पाँव में या कहीं भी टैनिंग हो गई है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपको उस जगह स्क्रबिंग करनी है, जो कि मैंने आपको बता दिया, कॉफ़ी स्क्रबिंग करनी है। कॉफ़ी स्क्रबिंग करने के बाद, ये भी नेचुरल बता रही हूँ, मैंने यहाँ कोई भी कॉस्मेटिक को इन्वॉल्व नहीं किया है, क्योंकि अगर कॉस्मेटिक यूज़ कर रहे हैं आप, दैट मीन्स यू आर अप्लाइंग सम केमिकल्स ऑन योर फेस, तो मैं नहीं चाहूँगी कि आप केमिकल्स लगाएं। इसलिए मैंने सारा ये जो प्री ब्राइडल स्किन केयर रूटीन है, ब्राइडल स्किन केयर रूटीन जो मैं बता रही हूँ, सारे के सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं गाइस। टैनिंग अगर है तो आप प्योर एलोवेरा जेल लीजिए, प्योर एलोवेरा जेल जो पेड़ में उगता है उसको लीजिए, उसकी लीव को तोड़ लीजिए और वो प्योर एलोवेरा जेल से मसाज कीजिए। अप्रॉक्स आप 10 मिनट मसाज कीजिए, जब भी आप नहाने जाएं तो 10 मिनट मसाज कीजिए, नहा के आए तो मसाज कर लीजिए जहाँ भी टैनिंग ज़्यादा है। आपको 30 दिनों में बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, टैनिंग आपकी दूर हो जाएगी। और कोशिश कीजिए गर्ल्स, अगर आप ब्राइड्स हैं ना, तो आप फुल क्लोथ्स पहनिए, मतलब कि जब आपकी शादी होने वाली है तो आप शादी से पहले कोशिश कीजिए फुल स्लीव्स की, यहाँ तक के कपड़े पहनिए, फुल स्लीव्स की पहनिए, और नीचे भी जीन्स भी फुल स्लीव्स की पहनिए, सॉक्स भी पहनिए। इससे फ़ायदा ये होगा, मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि क्या होता है, हम जीन्स पहन लेते हैं, नीचे सॉक्स नहीं पहनते हैं, तो हमारे जो पाँव होते हैं वो अनइवन हो जाते हैं, कहीं काला ज़्यादा हो जाता है, कहीं ठीक रहता है, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्योंकि जब आप ब्राइड बनेंगी, आप सैंडल्स पहनेंगी, तो सोचिए कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा आपका प्यारा प्यारा गोरा सा पैर। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों का, कि आपका जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोगों के क्या होता है, इतना पोर्शन ऊपर का मतलब गोरा होता है, नीचे का टैन हो जाता है ज़्यादा, तो टैनिंग ना हो इसलिए आप फुल स्लीव्स के क्लोथ्स पहनिए, ये एक बहुत बड़ी इंस्ट्रक्शन है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको खुद करनी है। आप घर में रह रहे हैं तो घर में आप अपनी पर्सनल टाल का यूज़ कीजिए, जी हाँ, ये हाइजीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर ब्राइड्स, और अगर ब्राइड नहीं भी हैं उनके लिए भी। आप अपना फेस वॉश कर रहे हैं, फेस को मोप कर रहे हैं, उसी से बॉडी मोप कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा, क्योंकि अगर बॉडी पे कोई भी जर्म्स है तो आपके फेस पे ट्रांसफ़र हो सकता है। तो आपको फेस की टाल अलग रखनी है और आपकी बॉडी टाल अलग रखनी है, और ऐसी टाल रखिए दो जो कोई भी यूज़ ना करता हो, आपकी पर्सनल टाल होनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आप इसे भी फॉलो करेंगे,
और अपना स्किन केयर रूटीन बहुत ही ज़्यादा अच्छे से फॉलो कीजिए गर्ल्स, क्योंकि आपको दिखना है बहुत ज़्यादा सुपर डुपर ब्यूटीफुल। आई होप कि आपको ये सारा स्किन केयर रूटीन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा ब्राइड्स को शेयर कर दीजिएगा। ब्राइड्स ही क्या, ग्रूम्स भी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये ग्रूम्स के लिए भी है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों को शेयर कीजिएगा ये वीडियो जिनकी शादी नज़दीक है, आने वाले सीजन में होने वाली है, ताकि वो ये वीडियो देख के ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय। अगर आपकी कोई भी क्वायरी हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई भी क्वायरी आप पूछ सकते हैं। अगर आप ब्राइडल से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस जानना चाहते हैं मुझसे, जैसे कि वैक्सिंग, या फिर आप कोई भी क्वायरी रखते हैं अपने ब्राइडल स्किन केयर से या ब्राइडल, क्योंकि मेरी ये ब्राइडल की सीरीज़ चल रही है, मैंने 3 वीडियो ऑलरेडी ब्राइड के बना चुकी हूँ, ब्राइडल एसेंशियल स्किन केयर, ब्राइडल एसेंशियल मेकअप, ब्राइडल एसेंशियल शॉपिंग लिस्ट, मैंने सब अलग अलग सीरीज़ में बताया हुआ है। ये ब्राइडल एसेंशियल की स्किन केयर है। अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ और भी बताऊँ तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप कमेंट करके पूछेंगे तो मैं ज़रूर से वो चीज़ बनाऊँगी और उसका आपको सोल्यूशन बताऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।